हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 13 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आंसर आएगा, हॉकी टीम को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत पुरुषों की हॉकी टीम के 18 सदस्यों में से प्रत्येक के लिए मासिक भत्ता क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, 18 सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये मासिक भत्ता मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने हाल ही में बढ़ी मादक पदार्थ संबंधी हत्याओं और जेल से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को देखते हुए अपराधियों के लिए सजाए मौत बहाल करने के संबंधी कदम को सर्वसहमति से मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा, श्रीलंकाई सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के चिबरकुलस्की में शंघाई सहयोग संगठन के अगस्त 2018 में होने वाले साझा मैत्री सैन्य अभ्यास पीस मिशन 2018 में भारत, पाकिस्तान और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी? तो इसमें आंसर आएगा, भारत, पाकिस्तान और चीन की सेनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, रमेश अभिषेक। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने 10 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में राज्य व्यापार सुधार आंकलन 2018 जारी किया। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश ने प्रथम, तेलंगाना ने द्वितीय और जबकि हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने पुलिस पदक आरंभ किए? तो इसमें आंसर आएगा, 5 पुलिस पदक। और ये पुलिस पदक है, केंद्रीय गृह मंत्री विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक। और इन सभी पदक की डिटेल के लिए आप हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो स्पेशल इन्हीं पुलिस पदक के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की आज़ादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा, नेट न्यूट्रलिटी को। टेलीकॉम कंपनियां यूजर से अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज लेती हैं, साथ ही कुछ सर्विसेज को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। नेट न्यूट्रलिटी आने के बाद कंपनियाँ हर यूजर से अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले पाएगी। कंपनियाँ इंटरनेट की स्पीड को भी कम कर देती है और इस सिद्धांत के आने के बाद हर वेबसाइट पर समान स्पीड मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादा डाटा कंज्यूम करने वाली सर्विसेज को ब्लॉक या स्लो नहीं कर पाएगी। कंपनियां किसी भी ऐसी ऐप के लिए फ्री डाटा नहीं दे पाएगी जो कंपनी को अलग से पैसे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्रवासी बच्चों को परिवार से अलग करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है? तो इसमें आंसर आएगा, मलाला यूसुफजई ने। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के सहयोगी देशों ने रक्षा पर राष्ट्रीय बजट का 2% ही खर्च करने का निर्णय लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा पर कितने प्रतिशत धनराशि खर्च करने का आग्रह किया है? तो इसमें आंसर आएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 60 धनवान महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय मूल की महिला शामिल है? आपके ऑप्शन है, प्रेमलता शर्मा, जयश्री उल्लाल, निर्जा सेठी और बी और सी दोनों। तो इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और इस सूची में जय श्री उल्लाल को 18वां स्थान और निर्जा सेठी को 21वां स्थान मिला है। उल्लाल 57 वर्ष की हैं और वे लंदन में पैदा हुई और भारत में पली बढ़ी। फिलहाल वे 2008 से कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म
अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनके मालिकाना हक वाली संपत्ति का कुल मूल्य करीब 1.3 अरब डॉलर है। और वहीं निर्जा सेठी 63 ईयर्स की हैं और वे सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार एवं आउटसोर्सिंग कंपनी सिंटेल की उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दे दी है, इसका संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा इसका संबंध इंटरनेट से है। और नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट की आज़ादी का वह सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देगी और एक ही कीमत लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा संकल्प या रिजोल्यूशन 2427 किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा बाल संरक्षण से। सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प रिजोल्यूशन 2427 को अपनाया ताकि मुख्य संघर्ष संरक्षण अधिकार कल्याण और संघर्ष के दौरान बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयर धारक सदस्य बन गया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, भारत ने सदस्य लेने के लिए दिसंबर 2017 में आवेदन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ईबीआरडी की स्थापना 1991 में की गई। नेक्स्ट है, ईबीआरडी का हेडक्वार्टर लंदन में है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISAAA यानी इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट GM फसलों की वैश्विक स्थिति के अनुसार भारत की GM फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? GM फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, तो इसमें इसके उत्पादन में भारत को 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और यह प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुकी है और 4 नवंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए MyGOV पोर्टल से जुड़ना होगा और प्रतिभागी को अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर MyGOV के वीडियो से लिंक करना होगा। जल संरक्षण प्रतियोगिता के लिए मंत्रालय ने जल संरक्षण से संबंधित विज्ञापनों को भी आमंत्रित किया है। सभी वीडियो मौलिक होने चाहिए तथा इनकी अवधि कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 10 मिनट की होनी चाहिए। प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें पहला 25,000 रुपये का, दूसरा 15,000 रुपये का और तीसरा 10,000 रुपये का होगा। वीडियो का चयन सृजनात्मक मौलिकता, संरचना, तकनीकी उत्कृष्टता, कलात्मक योग्यता, वीडियो की गुणवत्ता और विषय के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा। और इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अदालत कानूनी अनुभवों को आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेशन सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान मिला? आपके ऑप्शन है चंद्रपुर, बल्हारसा, उपयुक्त ए और बी दोनों और गांधीधाम। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। और दोनों को 10-10 लाख रुपए की नगद इनाम राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक टू क्लासिकल प्लेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? इसमें आंसर आएगा DP सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक देश के जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी प्रभावित जिलों में कितने साल के कर्तव्यों के लिए
केंद्रीय या राज्य ब्लॉक के प्रत्येक पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को दिया जाना है? तो इसमें आंसर आएगा 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया यात्रा का प्रौद्योगिकी भागीदार कौन है? तो इसमें आंसर आएगा श्रोफाइल। स्टार्टअप इंडिया यात्रा वैन मध्य प्रदेश के 10 शहरों की यात्रा करेगी और इसका शुभारंभ राजधानी भोपाल से 16 जुलाई से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व बैंक रैंकिंग 2017 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली सूची में किस नंबर पर आ गया? तो इसमें आंसर आएगा 6ठे नंबर पर, और इससे फ्रांस 7वें स्थान पर पहुंच गया और इस सूची में सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग फंड रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की अनुमानित औसत वृद्धि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7.4% और 2019 में 7.8% रहेगी, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए 2018 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की अनुमानित औसत वृद्धि है 3.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें आंसर आएगा मैत्रीपाला सिरीसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया और निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी का निर्माण करेगी? तो इसमें आंसर आएगा आइडिया और वोडाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल ग्राहक देश की किसी भी फोन नंबर पर कंपनी के मोबाइल ऐप का उपयोग करके कॉल करने में सक्षम होंगे, उस ऐप का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा उस ऐप का नाम है विंग्स। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के बाद बना सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए किस देश ने अपना ग्रीष्मकालीन सैन्य रक्षा अभ्यास स्थगित कर दिया है? आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और नेपाल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।